हेलो एंड वेलकम बैक टू ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट। जी हाँ, आज का जो हमारा ये वीडियो होने वाला है, ये होने वाला है नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो 2020 में काफ़ी लंबे समय के बाद, मतलब 34 ईयर्स के बाद, जो राजीव गांधी के टाइम से अब तक हमारे यहाँ पर चलती आ रही थी, हमारे इंडिया पे जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो अब कहीं ना कहीं चेंज हो चुकी है। जी हाँ, उसमें बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे आपको। अगर आप स्कूलिंग कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नर्सरी से, प्री प्राइमरी से 12th तक का सारा पैटर्न चेंज हो चुका है। एंड अगर आप कॉलेज में हो तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, अगर आप पेरेंट्स हो, तो आपके बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इसलिए इसको स्किप मत करना और इसे बिना ब्रेक के देखते रहिए, क्योंकि इसमें आपको नए चेंजेस के बारे में पता लगने वाला है। किसी देश में अगर एक बड़ा बदलाव लाना है तो सबसे पहले उसकी शिक्षा नीति मीन्स एजुकेशन पॉलिसी को हमें चेंज करना चाहिए। तो इंडिया में रफाल के साथ साथ ही नई शिक्षा नीति मीन्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कहीं ना कहीं आ ही चुकी है, जो 2021 से 2022 वाले सत्र में हमारी स्टार्ट कर दी जाएगी। सेशन 2021 से 2022 का जो सेशन आने वाला है हमारा, उसमें कहीं ना कहीं आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी देखने को मिलेगी। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्कूलिंग में जो 12th तक का हमारा स्टडी था उसमें क्या क्या चेंज आए हैं। पहले क्या होता था, पहले 10+2 होता था, मीन्स 10th तक की पढ़ाई एक लेवल तक रहती थी, और फिर उसके बाद से 11th 12th में हमें एक नया चेंज देखने को मिलता था। मीन्स जहाँ पर हमें स्ट्रीम चूज करनी होती थी कि PCM लेना है, कॉमर्स लेना है, या फिर आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ में आप जाना चाहते हो, ठीक है। लेकिन अब और ऐसा देखने को आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि 10+2 की जगह वो अब चेंज हो चुका है 5+3+3+4 के पैटर्न में, ठीक है। तो 5+3+3+4 का पैटर्न मैं आपको समझाता हूँ कि क्या है ये। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आके सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगर आप स्कूलिंग कर रहे हो तो भाई स्कूलिंग में तो बहुत बड़ा चेंज हमारा आ ही चुका है, और अगर आप कॉलेज कर रहे हो या फिर कॉलेज में आप अभी जाने वाले हो तो उसमें भी बहुत बड़ा एक चेंज हमारा आया है। तो ये 5+3+3+4 का जो पैटर्न है, इसमें देखते हैं क्या है। ये फर्स्ट जो हमारा 5 है, इसमें हमारा ये इसे बोलेंगे हम फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज में क्या होगा, फाउंडेशन स्टेज में हमारी 3 होंगी प्री प्राइमरी क्लासेस, मीन्स नर्सरी, LKG एंड UKG जो हमारा होता है, और हमारा फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसमें नर्सरी से लेकर के सेकंड क्लास तक को जो रखा गया वो रखा गया फाउंडेशन स्टेज में। इसमें क्या होगा, इसमें हमारा सारा सिलेबस NCERT बेस्ड होगा, और साथ ही में आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ मीन्स स्पोर्ट्स वगैरह पे बहुत ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं मतलब एक जड़ को मजबूत करके चला जा रहा है, मीन्स बेसिक्स को आपका बहुत ही मजबूत करके चला जा रहा है। जो हमारी न्यू जनरेशन आने वाली है इंडिया की, वो भाई जीरो से ही बहुत अच्छा करके चलने वाली है। और जो नेक्स्ट हमारा +3 है, उसमें क्या है, देखो उसमें है हमारा 3rd क्लास से 5th क्लास तक का। ये जो हमारा 3rd क्लास से 5th क्लास तक का है, इसमें देखो क्या चेंज देखने को हमें मिलेगा। इसमें हमारी स्टडी को मीन्स ब्रॉड किया जाएगा, मीन्स बाकी के सब्जेक्ट्स हमारे यहाँ पर हमें पढ़ने को मिलेंगे, जैसे मैथ्स, सोशल साइंस, आर्ट्स वगैरह, ये सब हमारे सब्जेक्ट यहाँ पर हमें पढ़ने को मिलने वाले हैं। जी हाँ, लेकिन आप देखिए 5+3 हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो इसमें 5+3 में एक चीज़ जो कॉमन है वो ये है कि आपको फुल लिबर्टी है अपने सब्जेक्ट और अपनी लैंग्वेज चूज करने की। 3rd क्लास से 5th क्लास तक के बच्चों के लिए जो गवर्नमेंट का एम रहने वाला है, वो ये रहने वाला है कि मेक चिल्ड्रन रेडी फॉर ब्राइट फ्यूचर। जी हाँ, यहीं से ही बच्चों को उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए तैयार किया जाएगा। तो अब तक जो हमारा नर्सरी से लेकर के 5th क्लास तक का हमने पढ़ा है, तो उसमें एक चीज़ हमें कॉमन मिलेगी कि उसमें हमें बच्चों को फुल लिबर्टी होगी कि वो अपनी खुद की लैंग्वेज चूज़ करें। मीन्स अगर उन्हें मराठा आता है तो भाई वो मराठा में पढ़ें, अगर हिंदी आती है तो हिंदी में पढ़ें, या फिर संस्कृत आती है तो वो अपनी स्टडी संस्कृत में कैरी कर सकते हैं। आगे का जो 6th क्लास से 8th क्लास तक का हमारा होने वाला है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो बच्चे साफ माइंडेड होते हैं, मीन्स टेक्निकल माइंडेड जिन्हें मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, मीन्स जो इधर उधर की चीज़ें करते रहते हैं, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि यहीं पे बच्चों को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स और मोबाइल एप्लीकेशंस की कोडिंग की जानकारी दी जाएगी। यहीं से बच्चा अपना एम डिसाइड कर सकता है कि अगर उसे कहीं सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग में कहीं इंटरेस्ट है तो वो यहीं से सीख करके अपने देश के लिए या फिर अपने लिए कुछ अच्छा कर सकता है। यहीं पे एक लिबर्टी और जो गवर्नमेंट के द्वारा बच्चों को दी जा रही है वो ये है इंटर्नशिप की, कि अगर बच्चे को 6th क्लास से 8th क्लास में मीन्स उन्हें इतना समझ आ जाता है कि उसका इंटरेस्ट कहाँ पर है, हमें मीन्स 6th क्लास से 8th क्लास तक का बच्चा अगर आपके सामने है तो आई थिंक आप बता ही सकते हो कि भाई इसका इंटरेस्ट किधर है। तो हाँ, यहाँ पर इंटर्नशिप का जो गवर्नमेंट ने किया है कि अगर बच्चा कोई स्टडी के साथ साथ बाकी कामों में भी इंटरेस्टेड है, जैसे पेंटिंग्स वगैरह में या फिर उनका कुछ बेकरी वगैरह में इंटरेस्टेड है, तो वो वहाँ पर जाकर इंटर्नशिप कर सकता है और अपनी स्टडीज़ को भी साथ में कैरी करेगा। अब जो सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला है वो मिला है हमारे लास्ट प्लस फोर में जो हमारी स्टडी कैरी कराई जाएगी, वो कराई जाएगी 9th से 12th तक वाली जो पढ़ाई है हमारी, उसमें देखिए क्या बदलाव देखने को मिला है।
यहाँ पर क्या होता था कि बच्चों को पहले 10+2 में, मीन्स प्लस टू में जैसे ही आता था वो 10th के बाद, तो उसे स्ट्रीम दे दी जाती थी उसके सामने कि साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है या फिर कॉमर्स में जाना है आपको। तो यहाँ पर ये अब एकदम से चेंज कर दिया गया है, क्योंकि अगर बच्चे का किसी का भाई IAS बनना है, ठीक है, IAS बनना, अगर उसने साइंस लिया हुआ है तो उसके पास हिस्ट्री इकोनॉमिक्स वगैरह सब्जेक्ट नहीं होंगे, लेकिन अगर उसे IAS ही बनना है और उसे पढ़ना भी साइंस से है, तो यहाँ पर इतनी लिबर्टी गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है कि बच्चे अब अपनी चॉइस के 5 सब्जेक्ट कोई भी ले सकते हैं। मीन्स उन्हें यहाँ पर फुल राइट दिया जा रहा है अपना पर्सनल सब्जेक्ट चूज करने का, उन्हें 5 सब्जेक्ट में कोई भी ले सकते हैं। मीन्स अगर आर्ट्स के साथ मैथ्स चाहिए तो हाँ तुम्हें मिलेगा। इन सब बच्चों के पास फुल लिबर्टी है कि वो अपनी चॉइस के कोई भी 5 सब्जेक्ट जो लेना चाहते हैं, मीन्स जो उनके एम में, जो उनके कैरियर में उनको हेल्प करेंगे, वो अपनी मर्जी से खुद चूज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए जो चेंज देखने को मिला है हमें, वो ये है कि बोर्ड एग्जाम्स का जो सिलेबस है वो हमारा थोड़ा कम कर दिया गया है, लेकिन उसके साथ क्या किया गया है, उसके साथ जो होगा हमारा एग्जाम्स जो होंगे वो सेमेस्टर वाइज डिवाइड कर दिए गए हैं। मीन्स हर क्लास में 2 सेमेस्टर होंगे, जैसे 9th क्लास में 2 सेमेस्टर हो गए हैं हमारे, फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर, 6 6 मंथ्स के 2 सेमेस्टर हमारे हो गए। तो इसमें क्या होगा, बच्चे को कंप्लीट ईयर स्टडी करना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि बस बोर्ड एग्जाम से ही हमारा फाइनल मार्क्स डिसाइड होते थे, जो हमारी मार्कशीट बन करके आती थी वो हमारे फाइनल एग्जाम से बन करके आती थी, लेकिन अब उसे एकदम से हटा दिया गया है, क्योंकि पहले जो बच्चे पूरा साल नहीं पढ़ते थे लेकिन अगर फाइनल एग्जाम्स के पास वो पढ़ लेते थे और अच्छे मार्क्स भी ले आते थे, तो वो अब कहीं ना कहीं गायब होने वाला है। जी हाँ, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो पूरा साल आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है अब कि बिना पढ़े भी आप मार्क्स ला सकते हैं। अब बच्चों का फाइनल मार्कशीट बनाते समय, मीन्स जो उनका फाइनल रिजल्ट आता है, वहाँ पर केवल फाइनल एग्जाम्स के मार्क्स नहीं ऐड होंगे, बल्कि इसमें जो उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं या फिर उसका बिहेवियर है, जो उसका व्यवहार है, उन सब के भी कहीं ना कहीं मार्क्स इसमें ऐड होने वाले हैं। पहले होते थे लेकिन वो कुछ हद तक कम था, लेकिन अब उसके फ्रेंड से, जो उसका क्लासमेट्स हैं, उन सबसे पूछा जाएगा कि जिस बच्चे का एनालिसिस किया जाएगा, पूरे बच्चे को देखा जाएगा, 360 डिग्री एनालिसिस किया जाएगा, मतलब उसे पूरी तरह से देखा जाएगा कि स्कूल में उसका मीन्स कैसा वो स्पोर्ट्स में है, या फिर कैसा वो करिकुलर एक्टिविटीज़ में है, या फिर उसका बिहेवियर कैसा है, मीन्स उसको पूरा एनालिसिस करके हमारी फाइनल मार्कशीट अब तैयार हुआ करेगी। ये सब चेंज देखने को मिले हैं हमारे स्कूलिंग में, मीन्स 5+3+3+4 का जो पैटर्न था वो मैंने आपको बता दिया है। इसमें एक चेंज और हमें देखने को मिला है कि इंग्लिश सब्जेक्ट का जो कंपल्सन था वो अब कहीं ना कहीं हटा दिया गया है। मीन्स अब इंग्लिश सब्जेक्ट कंपलसरी नहीं होगा, बच्चों के ऊपर इंग्लिश बोझ बनकर नहीं रहेगी, वो अब अपने मनपसंद से सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। अगर वो 12th तक की पढ़ाई मराठा में करना चाहते हैं तो भाई मराठा में करो, अगर वो हिंदी में करना चाहते हैं तो हिंदी में करो, और बोर्ड एग्जाम्स में जो आप आंसर दे सकते हो वो भी अपनी लैंग्वेज में दे सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि बोर्ड्स एग्जाम जो हैं आपको इंग्लिश में देने हैं, या फिर जबरदस्ती मीन्स आपके ऊपर बोझ डाला जा रहा है कि पर्टिकुलर लैंग्वेज में देने हैं। मीन्स जो तक तो था हमारा स्कूलिंग के बारे में, लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूँ आपको वो है कॉलेज के बारे में। जी हाँ, अगर आप कॉलेज में जाएंगे तो आपको क्या क्या चेंज देखने को मिलने वाला है। तो कॉलेज में क्या होगा भाई, अब पहले 10+2 के बाद आप कहीं अच्छी यूनिवर्सिटी में जाते थे एडमिशन के लिए, तो कट ऑफ में कहीं ना कहीं मार खा जाते थे, लेकिन अब जो गवर्नमेंट ने कैट का एग्जाम रख दिया है, कैट के एग्जाम में क्या होगा, आपके अगर बोर्ड में मार्क्स कम है तो आप CAT का एग्जाम मीन्स कैट का एग्जाम दीजिए, और कैट के एग्जाम में जितने आपके मार्क्स आएंगे वो आपके बोर्ड एग्जाम के मार्क्स में ऐड अप हो जाएंगे, और उसके बाद आपकी कट ऑफ देखी जाएगी, मीन्स उन सब मार्क्स को ऐड करके फिर देखा जाएगा कि आपका नाम कट ऑफ में है कि नहीं है। इससे क्या होगा, इससे जो शार्प माइंडेड बच्चे हैं, मीन्स जो अच्छा करना चाहते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा, और हाँ वो सभी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाएंगे। इसके बाद जो है हमारा वो है मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट। आप सोच होंगे कि मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट ये है क्या, तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ ये क्या है। इसमें क्या होगा बच्चे, पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि अगर आपने ग्रेजुएशन का अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया है और आपका किसी वजह से स्टडी छूट गई है बीच में, मीन्स अगर आपको कॉलेज के फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर में कोई ऐसी वजह आ गई आपके आगे जो आपको कॉलेज से दूर जाना पड़ेगा, तो आपका 2 साल खराब जाते थे। लेकिन अब क्या होने वाला है, अगर आपने कॉलेज में फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट कर लिया है तो आपको मिलने वाला है सर्टिफिकेट। जी हाँ, आपको फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट मिलेगा, जिस पे ये साफ साफ लिखा होगा दैट यू हैव कंप्लीटेड योर फर्स्ट ईयर इन योर ग्रेजुएशन। लेकिन अगर आपने सेकेंड ईयर भी कंप्लीट कर लिया है तो आपको मिलेगा एक डिप्लोमा, ठीक है, मीन्स अगर आपके पास डिप्लोमा है सेकेंड ईयर का, तो आप सेकेंड ईयर के बाद कितने भी दिन बाद आइए और आप अगर एडमिशन लोगे तो आपका एडमिशन थर्ड ईयर में होगा। अगर आप फर्स्ट ईयर के बाद कॉलेज छोड़ देते हैं और उसके बाद गैप हो जाता है 1-2 साल का, तो आपको फिर से फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मीन्स आपको फिर सेकेंड ईयर में एडमिशन दिया जाएगा।
और इसके बाद जो हमारा थर्ड ईयर होगा उसके साथ मिलने वाला है आपको आपका डिग्री। मीन्स अगर आपने 3 साल का पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आपको डिग्री मिलेगी। और इसमें एक एडिशनल ईयर फोर्थ ईयर जो दिया गया है उसमें यह है कि जो बच्चे रिसर्च करना चाहते हैं, मीन्स जिनका किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर रिसर्च का मन है या फिर किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं कॉलेज में, वो अपना फोर्थ ईयर में रिसर्च को भी कंटिन्यू कर सकते हैं, जिससे आपको अपने बारे में सोचने का टाइम मिलेगा, मीन्स अपने देश के बारे में कुछ अच्छा यहाँ पर बच्चे कर सकते हैं। फोर्थ ईयर का ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद गवर्नमेंट आपको डिग्री विद सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएगी, मीन्स जी हाँ जो आपका रिसर्च का जो सर्टिफिकेट होगा वो भी आपको प्रोवाइड कराएगी। और एक लिबर्टी ये दी गई है कि मोर देन वन कोर्सेज एट अ टाइम, मीन्स एक टाइम पर मोर देन वन कोर्सेज भी आप कर सकते हैं, कि अगर आप अपनी एक सेफ साइड रखना चाहते हैं कि भाई ग्रेजुएशन को भी साथ में चलने देना है लेकिन कुछ और भी साथ में करना है, तो यहाँ भी मीन्स यहाँ पे आप वो भी कहीं ना कहीं करने वाले हैं। इसके साथ क्या होगा, इसके साथ जो हमारे कॉलेज में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, जो फोर्थ ईयर है, इनमें आपको क्रेडिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। क्रेडिट्स में मतलब क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ कि क्रेडिट्स में आपको हर ईयर कुछ क्रेडिट्स दिए जाएंगे, वो आपके मार्क्स पे डिपेंड करेगा। जो आपने मीन्स जैसा आपने फर्स्ट ईयर में परफॉर्म किया है उसके अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट ईयर के क्रेडिट, जो सेकंड ईयर में किया उसके अकॉर्डिंग सेकंड ईयर के क्रेडिट, ये सब डिजी लॉकर में सेव किए जाएंगे। मीन्स अगर आप कितने भी दिनों बाद आएंगे तो आपका पता लग जाएगा कि हाँ भाई इस बच्चे के फर्स्ट ईयर में इतने क्रेडिट थे, सेकंड ईयर में इतने क्रेडिट थे, जिससे कि वो अपना वहीं से जहां से छोड़ के गया था उससे आगे से कंटिन्यू कर सकते। और यहां पर भी स्कूलिंग की तरह बच्चों को अपने सब्जेक्ट चूज करने की लिबर्टी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराई जाए। और जो लैंग्वेज को लेकर के हमारा चेंज आया है वो हमारा लैंग्वेज को लेकर चेंज नर्सरी से लेकर के हमारा ग्रेजुएशन तक है, मीन्स अपर क्लासेस में भी वो चेंज आपको देखने को मिलेगा। मीन्स संस्कृत जो लैंग्वेज है या फिर आपका म्यूजिक, ये सब जो हमारी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ये सब कॉलेजेस स्कूल्स में कंपलसरी कर दी गई हैं। मीन्स स्कूल में संस्कृत सब्जेक्ट भी हमारा कंपलसरी है और ऐसे ही ग्रेजुएशन में भी हमारा संस्कृत, म्यूजिक, डांस ये सब क्लासेस होंगी। मीन्स बच्चे की अगर इच्छा है तो वो यहाँ पर भी पार्टिसिपेट कर सकता है। मीन्स जिस फील्ड में बच्चा अपना एम चूज करना चाहता है उसे फुल लिबर्टी दी गई है, उसे फुल ओपन साइट वहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। और एक एक्शन जो गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा लिया है वो ये है कि अब कोई भी कॉलेज वाले, मीन्स बड़ी यूनिवर्सिटीज़ वाले या फिर जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वो अपने मनपसंद की फ़ीस नहीं रख सकते। मीन्स उनकी फ़ीस जो होगी वो गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित की जाएगी। मीन्स जो गवर्नमेंट उनको पैटर्न बना करके भेजेंगे कि भाई इस क्लास के लिए ये फ़ीस है, या फिर जो आपका कोई भी ग्रेजुएशन है, कोई डिग्री है, उसके लिए जो गवर्नमेंट फ़ीस डिसाइड करेगी वही कॉलेज वाले आपसे लेंगे। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कॉलेज वाले अब अपने मनपसंद फ़ीस करेंगे। इसमें देखो कितना फ़ायदा देखने को मिला है हमें, जो बच्चे इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से नहीं पढ़ पाते थे या फिर अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले पाते थे, उन्हें यहाँ पर बहुत बेनिफिट मिलेगा। मीन्स वो भी यहाँ पर अपने कैरियर को ब्राइट बना पाएंगे। स्कूल कॉलेजेस के बारे में जो गवर्नमेंट से हमें इन्फॉर्मेशन मिली है वो सब मैंने आपको दे दी है, लेकिन अभी भी इसके ऊपर कहीं ना कहीं विचार विमर्श हो रहे हैं। जैसे आपको ये वीडियो देख के आपके माइंड में भी कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे जो आप गवर्नमेंट से करना चाह रहे होंगे, तो वो हमें आप कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर बताइएगा, जिससे आपकी बात आगे तक पहुँचेगी और गवर्नमेंट इसमें और अच्छे सुधार करेगी। ये बिल वैसे कैबिनेट में तो पास हो चुका है, और हाँ इस बिल का जो नाम है वो है नेशनल हायर एजुकेशन बिल। जी हाँ, इसका नाम है नेशनल हायर एजुकेशन बिल। ये जो हमारा कैबिनेट में पास हो चुका है और पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा, और उसके बाद ये एक कानून बन जाएगा। कानून बनने के बाद फिर ये स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट को हर अपने स्टेट में ये लागू करना ही होगा। तो अभी भी मीन्स अभी वैसे मोर देन 2 लाख पीपल्स, मीन्स 2 लाख लोगों से ज़्यादा विचार विमर्श अपना कर चुके हैं, तब जाकर ये हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी बन पाई है। और अभी भी कहीं ना कहीं हमारे देश के दिग्गज इस काम पर लगे हुए हैं, जो अभी जांच कर रहे हैं कि अगर इसमें कहीं गलती है तो उसे सुधार करें। तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेरी बताना ना भूलें, और ये भी बताएं कि आपको नई एजुकेशन पॉलिसी कैसी लगी। इसी के साथ साथ हमारा मानव संसाधन विकास का नाम बदल करके एजुकेशन मिनिस्ट्री, जी हाँ, शिक्षा नीति कर दिया गया है। और ये एजुकेशन पॉलिसी हमारी 2021 से 2022 वाला जो सत्र होने वाला है उसमें आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलने वाली है। ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगी, क्योंकि ये वैसे भी अभी तक इस पर ज़्यादा क्वेरीज नहीं आई हैं, लेकिन इसे और अभी निखारा जा रहा है, इसके ऊपर अभी काम चल रहा है। तो आप भी अपनी क्वेरीज बताना ना भूलें, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ। और हाँ, जो हमारे चैनल पर अभी नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच पाए और सभी अपनी एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जान पाएँ, और सभी अपने दिमाग की बातें, मीन्स जो उनके माइंड में आया है इसको देख कर, वो सरकार के पास तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।